हे दोस्तों, और एक बहुत ही कमाल के वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम कंपेयर करने वाले हैं पोको A4 5G वर्सेस IQOO Neo 6 के बीच में कौन सा फोन बेस्ट है आपके लिए, कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए एंड भाई किसमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, फीचर के हिसाब से कौन सा बेस्ट है एंड प्राइस के हिसाब से कौन सा बेस्ट है वो भी आपको साथ में बताएंगे। दोनों में ही कुछ कमियां है वो भी आपको कवर कर देंगे इस वीडियो में। बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेंगे इसी दोनों फोन के बारे में, पोको A4 5G या IQOO Neo 6 कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए उसका क्लियर आंसर इधर देने वालों। तो भाई ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो को फटाफट से शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस दोनों फोन के सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिकेशन, बाद में इसका प्राइसिंग एंड लास्ट में एक पॉइंट्स ऐसे बताएंगे जो भाई आपको बहुत ज़रूरी है सुनना चाहिए, भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, वो चीज़ आप मिसिंग मत करिए। तो ये लास्ट वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे दोनों फ़ोन की स्पेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे पोको A4 5G के डिस्प्ले के बारे में। तो भाई 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस EFO AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश देखने के लिए मिलेंगे, 900 निट्स तक इसका जो ब्राइटनेस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है, HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, EFO AMOLED डिस्प्ले लगा है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है एंड इसमें आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेंगे, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड वही बात करेंगे IQOO Neo 6 के डिस्प्ले, तो भाई 6.62 इंच का एक फुल HD प्लस EFO AMOLED डिस्प्ले के साथ ये भी आता है, साथ में आपको HDR10 का सपोर्ट भी मिलेंगे, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश देखने के लिए मिलेंगे, बट इसमें आपको 800 निट्स तक इसका जो ब्राइटनेस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड इसमें आपको एक चीज़ अच्छा मिलेंगे जो है, इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे पर्सनली, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो। और गाइस, IQOO का जो फोन है उसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलेंगे एंड पोको में आपको मिलेंगे ग्लास बिल्ड। तो गाइस, बिल्ड क्वालिटी में पोको बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, ग्लास मिलेंगे आपको बट IQOO में आपको प्लास्टिक रिंगलेट मिलेंगे, बट चीप क्वालिटी के प्लास्टिक इधर यूज़ नहीं किया, अच्छे प्लास्टिक यूज़ किया है, आपको इन हैंड फील बहुत ही अच्छे देने वाला है, ठीक है। तो गाइस ये था इसका डिस्प्ले। बात करेंगे इसके प्रोसेसर के बारे में, तो भी दोनों फोन में ही आपको सेम टू सेम प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, Qualcomm Snapdragon 870 5G प्रोसेसर, जो भाई 7nm पे बेस करके बनाया गया, मतलब बहुत ही कम आपके बैटरी को कंज्यूम करने वाला है एंड Adreno 650 का GPU मिलेंगे, जो भी आप BGMI को 60fps पे लैग फ्री खेल पाएंगे, नो प्रॉब्लम नो इश्यूज, डेली टास्क में आराम से ये हैंडल कर सकते हैं, कोई भी लैग इश्यूज देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बहुत ही स्टेबल प्रोसेसर है, बहुत ही कमाल के प्रोसेसर है, प्रोसेसर से कोई भी शिकायत आपको नहीं आने वाला है। बात करेंगे इस दोनों फोन की कैमरा, तो भाई पोको A4 5G में आपको मिलेंगे 3 कैमरा पीछे, 64 का मेन कैमरा जिसमें आपको OIS का सपोर्ट भी मिलेंगे, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो मिलेंगे एंड फ्रंट पे आपको एक पंचोल मिडिल पंचोल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेंगे 20 MP का। एंड IQOO Neo 6 में आपको मिलेंगे 3 कैमरा, 64 का मेन जिसमें आपको OIS का सपोर्ट भी मिल जाएंगे, 8 का अल्ट्रा वाइड एंड 2 का आपको मैक्रो एंड फ्रंट पे 16 MP का एक पंचोल सेल्फी कैमरा मिलेंगे मिडिल पे। दोनों का जो कैमरा है बहुत ही अच्छा है, कोई भी शिकायत आपको नहीं आने वाला है, लेकिन सेल्फी कैमरा आपको पोको में अच्छे देखने के लिए मिल जाता है, 20 MP का कैमरा देखेंगे बट मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता भाई, उसका क्वालिटी देखना चाहिए, ठीक है। तो भैया मेरे हिसाब से IQOO Neo 6 का जो 16 MP का कैमरा है वो अच्छे फोटो सबको क्लिक करके देख सकते हैं कंपेयर टू पोको के 20 MP का कैमरा। बात करेंगे दोनों फोन की बैटरी, तो भाई पोको में आपको मिलेंगे 4500 mAh की बैटरी, साथ में 67W का फास्ट चार्जिंग, जो भाई 38 मिनट्स में आपके 100% चार्ज ये कंप्लीट करके दे देंगे। एंड बात करेंगे IQOO Neo 6, तो भाई IQOO Neo 6 में आपको मिलेंगे 4700 mAh की बैटरी, साथ में 80W का फास्ट चार्जिंग, मतलब बहुत ही जल्दी 32 मिनट्स में आपके 100% चार्ज ये कंप्लीट करके दे सकते हैं, मतलब 6 मिनट्स कम में IQOO Neo 6 को ये चार्ज करके दे सकता है कंप्लीटली। तो गाइस इधर IQOO में आपको ज़्यादा एडवांटेज देखने के लिए मिल जाता है। एंड बात करेंगे इसके अदर कनेक्टिविटी दोनों फोन का ही, तो टाइप सी का पोर्ट है 3.5mm दोनों फोन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, गायब मिलेंगे, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स से मिलेंगे, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ आता है। IQOO Neo 6 में आपको मिलेंगे फन टच 12 एंड पोको A4 5G में आपको मिलेंगे MIUI 13। और गाइस पोको A4 5G में आपको NFC मिलेंगे बट IQOO Neo 6 में आपको NFC देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों बात करेंगे अभी इस दोनों फोन के प्राइसिंग, तो भाई पोको A4 5G आपको मिलेंगे 6GB 128GB नॉर्मल प्राइसिंग रखा गया, हम इसका बेस वेरिएंट पकड़ के ही चलेंगे, ठीक है। पोको का जो A4 5G है वो 6GB 128GB के साथ आता है, जिसका प्राइसिंग है 20,000 rupees, इसमें आपको बैंक ऑफर मिलेंगे, अगर भाई इसको फर्स्ट सेल पे लेते हो तो 23,999 में आपको मिलेंगे, 3,000 रुपये आपको SBI का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एंड
इंस्टेंट आपको 1000 रुपये और डिस्काउंट देने के लिए मिलेंगे। तो भाई इसका प्राइसिंग आ जाता है 24,000 रुपीज़। 6GB 128GB जो बेस वेरियंट है पोको A4 5G में। एंड बात करेंगे iQOO Neo 6, तो भाई iQOO Neo 6 का प्राइसिंग थोड़ा सा हाई है, 8GB 128GB, बट इधर आपको रैम ज़्यादा मिलेंगे। 8GB 128GB आपको मिलेंगे 29999, मतलब 30,000 में ये फोन आपको मिल जाएंगे। बट इसमें आपको बैंक ऑफर देखने के लिए मिलेंगे, तो बैंक ऑफर 3000 मिलेंगे। ICICI क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये जो ऑफर है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई इसका प्राइसिंग आ जाता है 26,999, 27,000 में ये जो iQOO Neo 6 है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैंने जैसे बोला कि iQOO Neo 6 जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा महंगा है, बट इसमें आपको कुछ अच्छे चीज़, मतलब महंगे चीज़ भी देखने के लिए मिलेंगे। पैसा ज़्यादा तो भाई कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे iQOO Neo 6 में आपको 4700mAh की बैटरी मिलेंगे, बट पोको F4 में आपको मिलेंगे 4500mAh की बैटरी। एंड iQOO Neo 6 में आपको मिलेंगे 80W का फास्ट चार्जिंग, बट पोको F4 में आपको मिलेंगे 67W का फास्ट चार्जिंग। एंड iQOO Neo 6 में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेंगे, बट पोको में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाता है, जो भाई इसको डिफरेंशिएट करता है प्राइस के हिसाब से। और एक बात भाई, iQOO Neo 6 का जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ऑसम है, मतलब बहुत ही क्विकली। अगर आपके फ़ोन ख़राब होते तो बहुत ही क्विकली इसको रिपेयर करके दे देंगे, रिप्लेस करके दे देंगे, जो भी हो पाएगा वो आपको बहुत ही क्विकली देखने के लिए मिल जाएंगे iQOO की तरफ से। बट इधर पोको की तरफ से अगर आप जाते हो तो भाई पोको में ऐसा कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, मतलब क्विकली कोई सर्विस नहीं देता है। एंड अगर भाई आपके फ़ोन में कुछ स्क्रैच वगैरह आ जाते तो भाई उसको रिपेयर करके नहीं देता है। तो ऐसे कुछ मतलब कंप्लेंट्स आ रहे हैं पोको के यूज़र से। एंड पोको X3 प्रो जो था ना भाई, उसमें एक अपडेट आया। अपडेट आने के बाद भाई फ़ोन पूरा तरीके से डेड हो चुका है, मतलब अभी स्विच ऑन नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ केस निकल के आ रहे हैं पोको की तरफ से। तो भाई मेरे हिसाब से, मेरे एक सजेशन आप मान लीजिए कि भाई iQOO Neo 6 भले ही थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राइसिंग हो जाते हैं, बट ये अच्छे चीज़ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो भाई मेरे हिसाब से iQOO Neo 6 इज़ बेस्ट फॉर यू अंडर 30,000 रुपीज़। एंड पोको A4 5G थोड़ा बहुत आपको सस्ते में देखने को मिलेंगे। अगर आपके बजट है थोड़ा बहुत कम तो आप पोको A4 5G की तरफ देख सकते हो। अगर भाई आपके बजट में कोई टेंशन नहीं है, आप 30,000 पे कर सकते हो, 27,000 पे कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली iQOO Neo 6 की तरफ जा सकते हो। बहुत ही अच्छे फ़ोन है, बहुत ही कमाल के फ़ोन है। एंड आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही अच्छे तरीके से ये दो देने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस बस वीडियो नहीं था, कैसा लगा फ़ोन, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। कुछ भी अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस चलते मिलते हैं नेक्स्ट और एक कमाल के वीडियो में, तो बाय बाय।